खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। तो विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार तिरुपति मंदिर पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए मंदिर ट्रस्ट में जमा एफडी और सोने का इस्तेमाल नहीं करेगी। ट्रस्ट ने कहा कि बैंक में जमा एफडी और सोना देश के श्रद्धालुओं के लिए एक भावुक मुद्दा है, इसलिए ट्रस्ट इसमें हाथ नहीं लगाएगी। कोरोना संकट के बीच मंदिर ट्रस्ट आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन में मंदिर को 400 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोजाना के खर्चे उठा सके और मंदिर के कर्मचारियों को वेतन दे सके। दरअसल मंदिर के पास सोना और फिक्स डिपॉजिट का सहारा तो है, लेकिन नकदी बिल्कुल खत्म हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने लॉकडाउन में पहले ही 300 करोड़ रुपए कर्मचारियों को वेतन, पेंशन देने और दूसरी जरूरी तय चीजों के लिए खर्च कर दिए हैं। ऐसे में प्रशासन मंदिर के नाम से रिजर्व 8 टन सोना और 1400 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट को हाथ लगाए बिना इस गंभीर आर्थिक संकट से उबरने के रास्ते तलाश रहा है। ट्रस्ट के चेयरमैन वाईवी सुबरेड्डी का कहना है कि मंदिर की मासिक आय तकरीबन 200 से 220 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंदिर को बंद करना पड़ा है, जिसके बाद से मंदिर के राजस्व में भारी कमी आई है। सामान्य दिनों में 80,000 से 1 लाख लोग मंदिर में आते थे। त्योहारों के दिनों में ये संख्या और बढ़ जाती थी, लेकिन अब पिछले 50 दिनों से ये मंदिर बंद है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट के पास नकदी का संकट आ गया है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि टीटीडी ने 1300 संविदा कर्मियों को काम से निकाल दिया है। ये सभी संविदा कर्मी मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते थे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन सभी को 1 मई से काम पर नहीं आने दिया जा रहा था। तो दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति में पैसों की तंगी देखी जा रही है, और साथ ही हम आपको बता दें इन सब के बीच लगातार मंदिर के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस तंगी से किसी तरह बाहर निकला जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.